मुंबई में मेन रोड पर 6 मंजिल इमारत में लगी भीषण आग, लपटों में घिरा पटेल चैंबर। आग लगने के बाद भरभराकर आधी ढही 6 मंजिला इमारत, गुबार से पटा नजदीकी माला। 6 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, मौके पर मौजूद है दमकल की 16 गाड़ियां, गनीमत यही खाली थी इमारत, टला बड़ा हादसा। बिहार के फतवा में सिलेंडर से भरे गोदाम में लगी आग, लगने से एक के बाद एक कई सिलेंडरों में हुआ धमाका। आग में सिलेंडर फटने से नजदीकी इलाके में बढ़ा खतरा, देर तक मची रही अफरा तफरी, आग पर काबू पाने के लिए हुआ एनडीआरएफ टीम का इस्तेमाल। सूरत में भी बहुमंजिला इमारत में लगी आग, तीसरी मंजिल पर लगी आग से हुआ भारी नुकसान, 35 से ज्यादा कर्मचारी जख्मी। दिल्ली के कंजावला में प्लाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी विधायक चंपालाल देवड़ा की गुंडागर्दी, थाने में तैनात दारोगा से की मारपीट। यूपी में योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी के विवादित बोल, जनता दरबार में कहा जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा उस पर समझो बैठा गुंडा। राम मंदिर की जगह विकास कार्यों को तरजीह देने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पूरी तरह घिरे, आगरा में हिंदू संगठनों ने उनके पुतले पर तलवार से वार किया। दिल्ली में लड़की के गले से सोने की चेन लेकर भाग रहा झपटमार चढ़ा पब्लिक के हत्थे, जमकर हुई धुनाई। लड़की के शोर मचाने पर घिरा झपटमार, पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के तुगलकाबाद में प्रॉपर्टी विवाद में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या, इलाके का कांग्रेस नेता पर हत्याकार। यूपी के मुरादाबाद में कबूतरबाजी में जमकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। लाठी डंडों से लैस 20 से 25 लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखे, तमाशबीन बना रहा पुलिसकर्मी। यूपी घुसकांड में नया ट्विस्ट, बयान से पलटे योगी के प्रमुख सचिव पर आरोप लगाने वाले अभिषेक गुप्ता। आज तक को हाथ लगे वीडियो में अभिषेक गुप्ता ने कहा मानसिक तौर पर परेशान था इसलिए लगाया आधारहीन आरोप। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ने उठाया सवाल, घूस मांगने के आरोपों पर सीबीआई जांच की मांग की। अगर किसी ने शिकायत की है तो कम से कम उससे भी बड़ा कोई स्तर हो, उससे जांच होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि जांच ऐसे किसी अधिकारी को देनी चाहिए और फिर अधिकारी अधिकारी की जांच करेगा, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग पर योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का पलटवार, कहा अखिलेश ने अपने चाचा की जांच क्यों नहीं कराई। प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर रवाना, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2 दिनों के चीन दौरे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी, 2 महीने के बाद होगी मुलाकात। एससीओ समिट में क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर होगी चर्चा, पाकिस्तान के आतंक पर अस्थि पर होगी चर्चा। फुल मेंबर के तौर पर पहली बार एससीओ समिट में हिस्सा ले रहा है भारत, चीन के साथ रिश्तों में मजबूती पर जोर। एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी होगी अलग से मुलाकात, पाक नेता से मुलाकात पर सस्पेंस। पीएम मोदी की सुरक्षा पर खतरे के खुलासे के बाद एजेंसी सतर्क, गृहमंत्री ने मामले को बताया गंभीर। उग्रवादी अपनी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी अभी मुझे जानकारी यहां प्राप्त हुई है और जाकर वहां पर फिर भी मैं देखूंगा, लेकिन बहुत सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी देख रही है। पीएम के खिलाफ साजिश के खुलासे से सुलगी सियासत, विपक्ष ने कहा हमदर्दी लेने का चुनावी हथकंडा। एक रणनीति के तहत ये एक फॉल्स जानकारी तो फीड नहीं की जा रही है, इसकी छानबीन करना आवश्यक है। पीएम पर हमले को लेकर कांग्रेस को बीजेपी का जवाब, का साजिश में नहीं होनी चाहिए सियासत। कि हिंसा की किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, मुझे लगता है कि हर चीज में चाल देखना ठीक है। माओवादियों के साजिश के खुलासे को लेकर अरुण जेटली ने जताई चिंता, कहा संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं नक्सलवादी। पीएम के खिलाफ साजिश को लेकर योग गुरु रामदेव ने जताई चिंता, सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग। यहाँ अत्यंत गंभीर मामला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं स्वयं यह आह्वान करता हूं सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मोदी के खिलाफ राजीव हत्याकांड जैसी साजिश का खुलासा, भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच में मिली चिट्ठी के आधार पर पुलिस का दावा। कोंडागांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बेरमा के जंगलों से नक्सलियों की भारी मात्रा में हथियार जब्त।
रेड में पुलिस को मिले आईडी बम, मेडिसिन, बिजली के तार, पुलिस पार्टी पर हमले की फिराक में थे नक्सली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, नाक पिस्टल, जिंदा कारतूस, इंसास मेडिसिन, टिफिन बम, डेटोनेटर बरामद। आतंकी संगठन जैश मोहम्मद का नया टारगेट महिला, मौलाना अजहर मसूद ने महिलाओं की आतंकी फौज बनाने की जाहिर की इरादा। अजहर मसूद ने अपनी ऑनलाइन जिहादी पत्रिका अलकलाम के जरिए जारी किया भड़काऊ संदेश, कहा इस्लामिक इतिहास में महिलाओं के जिहाद की हम मिसालें। यूपी के हाथरस में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुठभेड़ के बाद फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। फैक्ट्री को दूसरा मालिक फरार, फैक्ट्री में मिले 315 बोर के 50 तमंचे। यूपी के अलीगढ़ में सामने आया धर्म बदलकर शादी करने का मामला, हिंदू रीति से शादी के बाद धर्म बदलकर किया निकाह। यूपी के शाहजहांपुर में दो सुपारी किलर्स गिरफ्तार, 3 लाख की सुपारी लेकर हत्या को दिया था अंजाम। यूपी के झांसी में बैंक का 1 लाख बकाया से परेशान किसान ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर दी जाए। महाराष्ट्र के बुलढाणा में खेत के बंटवारे को लेकर दो भाइयों की हत्या, दबंगों ने लाठी और लोहे से पाइप से पीट पीट कर ली जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिव मंदिर में बहाया हजारों लीटर दूध। मध्य प्रदेश के सीधी में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की मौत, बाल बाल बचा चौथा साथी। भोपाल से सटे मंडीदीप में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में लगी आग, बड़ा हादसा टला। नौरा में डंपिंग ग्राउंड के विरोध में लोगों का आधे कपड़ों में प्रदर्शन, डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट करने की मांग की। बिहार में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत, सहरसा में 6 लोगों की गई जान। बिहार के दरभंगा में 4 लोगों पर गिरी बिजली, बारिश में शॉर्ट के लिए निकले थे बाहर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं। दिल्ली में एयरफोर्स हेडक्वार्टर के पास एक सरकारी इमारत गिरी, बाल बाल बचे लोग। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रजनीकांत फिल्म काला के पोस्टर को बनाया निशाना, हमलावरों ने किया राधा कृष्ण थिएटर में फिल्म काला के पोस्टर को आग के हवाले। दक्षिण दिल्ली में लिफाफा गैंग के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, लिफ्ट देने के बहाने करते थे ठगी। झारखंड के लातेहार में 5 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर, 30 हमलों को दे चुका था अंजाम। यूपी के रामपुर में अवैध खनन के आरोपों ने की पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश, 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली सटे गाजियाबाद में ट्रक से टकराई बेकाबू महिंद्रा पिकअप गाड़ी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। यूपी के ललितपुर में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों को बोलेरो ने रौंदा, 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के नरेला में युवक की गला काटकर हत्या, शिनाख्त में जुटी पुलिस। पीलीभीत में अस्थियां विसर्जित करने गए एक ही परिवार के 5 लोग नदी में डूबे, 2 को निकाला गया, 3 की मौत। अलीगढ़ में मां बाप ने ही रच डाली 6 साल के मासूम के अपहरण की साजिश, पुलिस ने किया रेस्क्यू, माता पिता समेत 4 गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा और नदी में गिरी जीप, 3 की मौत। मुंबई के ट्रॉम्बे में गटर में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत, खेलते वक्त हादसे का हुआ शिकार। गुजरात के महसाणा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। यूपी के हरदोई में सामने आया नशे में धुत दारोगा का गाली देने का वीडियो, एसपी ने किया लाइन हाजिर। दिल्ली सटे गुरुग्राम में केनिया की लड़की से गैंग रेप, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। पंजाब के फतेहाबाद में 11वीं की छात्रा से गैंग रेप, आरोपी फरार। यूपी पुलिस की भगवा ट्रेनिंग, मानसिक तनाव दूर करने के लिए गुजरात के स्वामी का सहारा लिया गया। स्वामी धर्म बंधु ने अपराधियों से निपटने के लिए दिया गुरु मंत्र, मंत्रों और प्रवचनों का पढ़ावा। यूपी के मुजफ्फरनगर में ओवरटेक करने पर ऑटो सवार गुंडों ने स्कूटी सवार युवक की जमकर की धुनाई, 20 सड़क पर लात घूसे से की पिटाई। गुजरात के सूरत में सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस की गुंडई, जू शक पर ग्राहकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की गुंडई की तस्वीर वायरल होने के बाद भी प्रशासन ने साधी चुप्पी, अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कानपुर के अस्पताल में 4 मौतों पर सिर्फ 10 मिनट में फैसला, जांच करने पहुंचे यूपी के डीजीएमई ने हेलेट अस्पताल को दी क्लीन चिट। डीजी हेल्थ के गुप्ता ने 4 मरीजों की मौत में एसी थ्योरी को नकारा, कहा एसी की खराबी से मौत संभव नहीं। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और डॉक्टर्स में मारपीट, ओपीडी बंद, मरीज हुए परेशान। आईआईटी दिल्ली में 7वीं मंजिल से कूदा पास आउट छात्र,
पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। अवैध रूप से भारत में घुसने के मामले में गिरफ्तार यूक्रेन के मॉडल गोरखपुर जेल से रिहा, पुलिस ने दिल्ली स्थित दूतावास भेजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी नेता अब्दुल गफ्फार पर आतंकी गोलाबारी, पीएसओ की बंदूक छीनने की कोशिश। फिरोजपुर में रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्टेशनों को उड़ाने की आतंकी धमकी, लश्कर ए तैयबा के नाम से भेजी गई चिट्ठी। अब 50, 500 और 2000 के नकली नोट बनाने के फिराक में है पाकिस्तान, सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने संभाला जिम्मा। गांधीनगर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। यूपी के रामपुर में NH-24 पर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, हाईवे पर फेंकी सब्जियां, जमकर नारेबाजी। बद्रीनाथ धाम से 23 किलोमीटर दूर सतोपंथ में जोरदार बर्फबारी, पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड। साफ हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता, रास्ते में पड़ने वाले बाकी घरों को भी लकी ड्रॉ के जरिए दिए गए वैकल्पिक प्लॉट्स। मियाद खत्म होने के बावजूद चंदा कोचर ने सेबी को नहीं भेजा जवाब, ICICI बैंक ने मांगी और मोहलत। बैंकों के दबाव वाले खातों को नुकसान से बचाने के लिए होगा स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का निर्माण, सरकार ने बनाई कमेटी। सुरेश प्रभु ने अगले 2 साल में विकास दर के 8% पार किए जाने का जताया भरोसा, कहा 7 से 8 साल में अर्थव्यवस्था का आकार होगा दुगना। हिमाचल प्रदेश के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज, 1 लाख फ्री LPG सिलेंडर बांटने वाला देश का पहला राज्य बना। कंगना रनौत ने जारी किया अपने वर्कआउट का लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।